चलिए आज हम बात करते हैं कॉसोलॉजी, और ये है चैप्टर नंबर 7 VLDD 7 फार्मेसी का। और कॉसोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ वेरियस ड्रग्स, विभिन्न विभिन्न दवाइयों की मात्रा के ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, हम कॉसोलॉजी बोलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं डोज। डोज दवाई की वह मात्रा है जो एक बार या कई बार देने से शरीर पर वांछित प्रभाव डालती है, यानी कि डिज़ायरेबल इफेक्ट डालती है, और यह शरीर के लिए सुरक्षित होती है और नॉन टॉक्सिक होती है और रोगों को समाप्त भी करती है। यानी कि यह शरीर के लिए, शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालेगी और उसके साथ साथ ये रोग को क्या करेगी, समाप्त करेगी। उसे ही क्या बोलते हैं, हम डोज बोलते हैं। देखिए फार्माकोपिया में प्रत्येक ड्रग की डोज निश्चित की गई है। जो फार्माकोपिया है, जो गवर्नमेंट की बुक है, उसमें हर दवाई की डोज निश्चित की गई है। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम डोज बताई गई है। ये मिनिमम और मैक्सिमम डोज क्या होती हैं? मिनिमम डोज वह होती है जो ड्रग देने पर अपना कार्य शुरू कर देती है, और मैक्सिमम डोज वह डोज होती है जिसे किसी बिना टॉक्सिक इफेक्ट के दिया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम डोज वो डोज होगी जो शरीर पर टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालेगी, और मिनिमम डोज वो डोज होगी जो कम से कम दी जाएगी ताकि उसका एक्शन शुरू हो सके। तो हमें जो डोज रखनी चाहिए वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रखनी चाहिए। तो अब पढ़ लेते हैं इसकी, देखते हैं अब व्हाट इज डोज। तो डोज इज दैट क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच वेड एडमिनिस्ट्रेटेड टू बॉडी वंस और मोर प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट ऑन दी बॉडी। डोज दवाई की वह मात्रा है जो एक बार देने से या कई बार देने से शरीर पर वांछित प्रभाव डाले, डिजायरेबल इफेक्ट, यानी कि वांछित जो हमने चाहिए, ठीक ना। डोज हैज़ टू बी सेफ एंड नॉन टॉक्सिक टू एनिमल एज वेल एज इट शुड क्योर पेशेंट। जो जो डोज है, डोज वह मात्रा होती है जो सुरक्षित होती है तथा नॉन टॉक्सिक होती है, जो शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं डालती, इसके साथ साथ वह रोगों को, जो रोगी है उसके रोगों को समाप्त भी करती है। इन फार्माकोपिया डोज ऑफ ईच ड्रग इज फिक्स्ड एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डोज इज ऑल्सो मैंशन। फार्माकोपिया जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई किताब है, उसमें प्रत्येक ड्रग की डोज निश्चित की गई है तथा मैक्सिमम और मिनिमम डोज भी उसमें मेंशन की गई है, लिखी गई है, बताई गई है। तो मिनिमम डोज क्या होती है? जो दवाई की वह कम से कम मात्रा जो शरीर में जाने के बाद वांछित प्रभाव डालती है, डिजायरेबल इफेक्ट डालती है बॉडी के ऊपर, वो मिनिमम डोज होती है। और मैक्सिमम डोज वो डोज होती है वो डोज जो कि शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव ना डाले। तो देख लेते एक बार, मिनिमम डोज इज दैट डोज विच इज नीडेड टू इनिशिएट एक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। यानी कि मिनिमम डोज वह डोज है जो ड्रग का एक्शन शुरू कर दे या एक्शन के लिए आवश्यक है, यानी कि काम करने के लिए आवश्यक है। और देखते हैं, मैक्सिमम डोज इज दैट डोज विच कैन बी गिवन विदाउट टॉक्सिक इफेक्ट। और मैक्सिमम डोज वह डोज है जो बिना किसी टॉक्सिक इफेक्ट, बिना किसी दुष्प्रभाव के शरीर में, जो बिना किसी दुष जो शरीर में दुष्प्रभाव ना डाले उसके अनुसार दी जाती है, वो होती है मैक्सिमम डोज। यानी कि इससे ऊपर कर दी तो ये शरीर के लिए क्या है, टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक ना। इन एवरी बुक डोज ऑफ एवरी ड्रग इज गिवन। प्रत्येक बुक में जो ड्रग की मात्रा है वो निश्चित की गई है, लेकिन कई स्थितियाँ ऐसी आती है, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हम डोज की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं सिचुएशन के आधार पर। बट इन इफ सिचुएशन डिमांड्स डोज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कि डोज की मात्रा को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये सिचुएशन के आधार पर होता है। तो अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डोजेज ऑफ ए ड्रग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए पॉसोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहला है एज। देखिए जितने भी हम फैक्टर पढ़ेंगे ना, उसमें उसका जो इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट किससे कनेक्ट है, बॉडी वेट से। हमें डोज जो देनी चाहिए वो बॉडी वेट के हिसाब से देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है एज, तो जो छोटे जानवर हैं उनको डोज कम दी जाती है क्योंकि उनमें ड्रग टॉक्सिसिटी की संभावना अधिक होती है।
देख लेते हैं, स्मॉल एनिमल्स आर गिवन स्मॉलर डोज, छोटे जानवरों को दवाई की मात्रा कम दी जाएगी, बिकॉज देयर इज मोर रिस्क ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी इन स्मॉल एनिमल, क्योंकि उनमें ड्रग टॉक्सिसिटी की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा जो अपना फैक्टर है वो है ब्रीड, और ब्रीड होती है नस्ल। आपने देखा होगा कुत्ते कई नस्ल के होते हैं, पोमेरियन होता है, पग होता है, ग्रेट डैन होते हैं, लेब्रा, जर्मन शेफर्ड और अपना रॉटवाइलर। देखिए जो पग है उसकी डोज अलग होती है और जो ग्रेट डैन है उसकी डोज अलग होगी, क्योंकि ग्रेट डैन एक हैवी ब्रीड है और पग एक स्मॉल ब्रीड है, तो जो स्मॉल ब्रीड है की डोज है वो हैवी ब्रीड के जितनी नहीं हो सकती, और जो हैवी ब्रीड है उसकी डोज स्मॉल के जितनी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का बॉडी वेट क्या है, अलग अलग है। दोनों के बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, ग्रेट डैन पग से 10 गुना से भी ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पे भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके ऊपर काम कर रही है, बॉडी वेट के हिसाब से। तो देख लेते हैं एक बार ब्रीड, तो एडल्ट बॉडी वेट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। देखिए 1 साल का पग, देखिए उम्र सेम है, 1 साल के पग का बॉडी वेट 1 साल के ग्रेट डैन से कम होता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो डोज है वो ब्रीड के हिसाब से भी अलग अलग हो सकती है, जो ड्रग की डोज है वो ब्रीड के हिसाब से भी अलग अलग हो सकती है। तो देयर फोर डोज शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, द डोज विच इज सेफ फॉर हैवी ब्रीड कैन बी टॉक्सिक टू लाइट ब्रीड। जो डोज हैवी ब्रीड के लिए सेफ है वो छोटी ब्रीड के लिए टॉक्सिक हो सकती है, अगर हम एक ग्रेट डैन या एक लेब्रा या एक रॉटवाइलर की ड्रग की मात्रा अगर हम पग में लगाएंगे तो वो पग के लिए टॉक्सिक हो जाएगी, कम से कम भी 10 गुना का फर्क पड़ेगा। समटाइम डोज डिफरेंस कैन बी 10 टाइम्स, कई कई बार तो ये डोज डिफरेंस कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बॉडी वेट ऑफ ग्रेट डैन ब्रीड ऑफ डॉग इज 10 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ पिगनीज ब्रीड ऑफ डॉग। जो पिगनीज नस्ल का कुत्ता है उससे 10 गुना ज़्यादा भारी होता है कौन, ग्रेट डैन, तो उसको डोज ज़्यादा दी जाएगी ग्रेट डैन को, और पिगनीज या फिर पग जो स्मॉल ब्रीड्स हैं उनको डोज क्या दी जाएगी, कम दी जाएगी। अगला जो है बॉडी वेट, मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसका बॉडी वेट ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा डोज दी जाएगी, जिसका बॉडी वेट कम होगा उसको कम डोज दी जाएगी। ड्रग शुड बी ऑलवेज बी गिवन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इन एनिमल, एनिमल्स ऑफ सेम एज कैन डिफर इन बॉडी वेट्स। एक जैसी उम्र होगी, उम्र भी सेम होगी लेकिन उनका बॉडी वेट अलग अलग हो सकता है, इसीलिए जो आपको डोज देनी है वो किसके हिसाब से देनी है, बॉडी वेट के हिसाब से। अगला जो फैक्टर है वो है सेक्स, सेक्स मीन्स मेल या फीमेल। जो फीमेल्स में जो डोज दी जाती हैं वो मेल के कंपैरिजन में कम दी जाती हैं। एक तो फीमेल का जो बॉडी वेट है वो मेल से कम होता है, पहला फैक्टर तो यही हो गया। दूसरा क्या है, फीमेल पर ईस्टर साइकिल, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी का भी प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर को भी कम, और फिर हम ज़्यादा डोज देंगे तो डोज का भी प्रेशर पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, फीमेल को डोज कम ही देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेल। तो देख लेते हैं, इन सम एनिमल फीमेल हैव लेस बॉडी वेट देन मेल, कुछ जानवरों में फीमेल का जो बॉडी वेट है वो मेल से कम ही होता है। काउ एंड बुल फीमेल ऑल्सो हैव लोड ऑफ ईस्ट्रस, लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी, इनमें हार्मोनल लोड भी ज़्यादा होता है, ईस्टर साइकिल का, लैक्टेशन का, प्रेगनेंसी का लोड होता है किसमें, फीमेल्स में, तो इसीलिए इनको डोज क्या दी जाती है, मेल के कंपैरिजन में कम दी जाती है। तो अगला है मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, रख रखाव और खान पान। आप सभी को पता है अगर अच्छा खान पान है तो वो दवाई की ज़्यादा मात्रा को भी झेल सकता है, अगर उसका खान पान सही नहीं होगा तो उसके लिए मिनिमम डोज भी क्या हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है। तो देख लेते हैं, इफ़ मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन इज गुड, अगर उसका रख रखाव और खान पान अच्छा है देन एनिमल कैन टॉलरेट हायर डोज, तो जो जानवर है वो हायर डोज को भी टॉलरेट कर सकता है, झेल सकता है। इफ दीज आर बैड, अगर ये अच्छे नहीं है मैनेजमेंट यानी कि रख रखाव और न्यूट्रिशन यानी कि उसका खान पान, देन एनिमल कैन नॉट बी टॉलरेट हायर डोज, तो जो जानवर है वो हायर डोज को टॉलरेट नहीं कर सकता। अगला जो है वो है हमारा प्री मेडिकेशन, तो आपने ये भी खूब देखा होगा, अगर दवाई पहले हम दे चुके हैं और दोबारा वही दवाई देने की हमें ज़रूरत पड़ी है तो जो दोबारा हम दवाई देंगे उस जानवर को वो पहली वाली से
ज्यादा मात्रा में देंगे तभी वो असर करेगी, नहीं तो असर नहीं करेगी। तो देखिए प्री मेडिकेशन यानी कि पहले अगर दवाई दे चुके हैं तो दोबारा अगर हम उसको दवाई देंगे तो जो पहले बार पहले जो जितनी दवाई दी थी उस जितनी मात्रा दी थी जितनी डोज दी थी उससे ज़्यादा डोज में अब हमें दवाई देनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं प्री मेडिकेशन। इफ एनिमल हैज़ बीन गिवन ए ड्रग फॉर लॉन्ग टाइम इन पास्ट, अगर पहले काफ़ी समय से ड्रग उसको दी जा रही है तो दोबारा उस ड्रग की मात्रा कुछ अधिक देनी चाहिए ताकि उसकी पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सके। तो पास्ट टाइम देन अगेन इट शुड बी गिवन हायर डोज फॉर कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो दोबारा अगर हम उसको देंगे तो उसकी मात्रा क्या करेंगे, हम बढ़ा के देंगे ताकि वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके, अच्छी तरह से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन कर सके। अगला है डिजीज। डिजीज में देखिए अगर बीमारी एक्यूट है तुरंत हुई है, अगर बीमारी जो है अपने शुरुआती दौर में है तो हम दवाई की मात्रा कम रखेंगे, अगर बीमारी काफ़ी लंबे समय से है क्रॉनिक है तो हम दवाई की मात्रा अधिक रखेंगे। तो ये है डिजीज़ के ऊपर भी डोज डिपेंड करती है। अगर बीमारी शुरुआती दौर में है अभी शुरू हुई है तो हम मिनिमम डोज से शुरू करेंगे, हम दवाई की मात्रा क्या रखेंगे कम रखेंगे। अगर बीमारी उसके लंबे समय से है तो हम उसको मैक्सिमम डोज देंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो अभी देख लेते हैं डिजीज डोज डिपेंड अपॉन इलनेस। डोज किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलनेस के ऊपर डिपेंड करती है, बीमारी पर निर्भर करती है। इलनेस कैन बी क्योर्ड विद मिन जो इन द बिगनिंग यानी कि शुरुआती दौर में जो बीमारी होती है इलनेस कैन बी क्योर्ड विद मिनिमम डोज, उसको हम किससे ठीक कर सकते हैं, मिनिमम डोज से ठीक कर सकते हैं। इफ द डिजीज इज क्रॉनिक, अगर डिजीज क्रॉनिक है लंबे समय से है देन मैक्सिमम डोज इज नीडेड। तो उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम डोज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई की मात्रा चाहिए। समटाइम लोअर डोज डज नॉट शो एनी इफेक्ट, क्योंकि क्रॉनिक्स जो बीमारियाँ होती हैं जो बीमारी लंबे समय से हैं उनमें जो लोअर डोज है मिनिमम डोज है अपना काम नहीं करती है। अगला जो डोज डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट के द्वारा हम ड्रग दे सकते हैं। देखिए कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो सभी रूटों के द्वारा दी जा सकती है, ऑरली भी दे सकते हैं उसको, पैरेंटली भी दे सकते हैं यानी इंजेक्शन के द्वारा भी दे सकते हैं। तो ये जो ड्रग की डोज है ये रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर हम दवाई को ऑरली दे रहे हैं तो दवाई की मात्रा हमें ज़्यादा देनी है, अगर हम उसको पैरेंटली दे रहे हैं यानी कि इंजेक्शन के द्वारा लगा रहे हैं, IM लगा रहे हैं या सबकट लगा रहे हैं तो जितनी मात्रा हम ऑरली दे रहे थे उससे दवाई की मात्रा आधी की जाती है। अगर हम उसको डायरेक्ट IV दे रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड में लगा रहे हैं, इंट्राविनस लगा रहे हैं, तो जितनी हम दवाई की मात्रा ऑरली दे रहे थे या जितनी ऑरली से तो 1/4, और जो मस्कुलरली दे रहे थे जो मांसपेशियों में दवाई लगा रहे थे उससे आधी यानी कि 1/4 मात्रा देने की ज़रूरत। देखिए रूट के ऊपर कितना वैरी कर गया। देखिए एक दवाई अगर हम ओरली दे रहे हैं तो 1 ग्राम दी जाएगी, मान लो अगर हम उसी को मस्कुलर दे रहे हैं तो वो 500 mg दी जाएगी क्योंकि 1 ग्राम में 1000 mg होता है। अगर उसी को हम IV लगा रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड में लगा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में लगाने से वो तुरंत काम करना शुरू करती है तो वो केवल 250 mg ही दी जाएगी। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है रूट के ऊपर। तो एक बार देख लेते हैं, सपोज ए ड्रग कैन बी गिवन बाई ऑल रूट, मान लेते हैं कि एक दवाई सभी रूटों के द्वारा दी जा सकती है। इफ द डोज ऑफ ड्रग इज 1 ग्राम बाई ओरल रूट, अगर डोज की मात्रा 1 ग्राम है ओरल रूट के द्वारा देन इट्स डोज विल बी हाफ बाई IM और सबकट, यानी कि इंट्रा मस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा इसकी मात्रा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। केवल 500 mg देना है, 1000 mg देने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स डोज विल बी 1/4 बाई IV रूट, और इंट्राविनस रूट के द्वारा इसकी जो डोज है वो 1/4 हो जाएगी, यानी कि अगर हम 1 ग्राम ओरली दे रहे थे यानी कि 1000 mg ओरली दे रहे थे तो IV लगाने के लिए हमें केवल कितनी चाहिए, 250 mg। डोज बाई पेरेंटरल रूट इज ऑलवेज लेस देन ओरल रूट, जो इंजेक्शन के द्वारा जो जितनी मात्रा देते हैं वो हमेशा कम रहती है उसकी मात्रा ओरल रूट के ओरल रूट से। इन IV रूट इफेक्ट ऑफ ड्रग इज इमीडिएट एंड बाय ओरल रूट
इफेक्ट ऑफ ड्रग्स टेक सम टाइम। अगर हम आईवी दवाई देते हैं तो वो अपना काम तुरंत शुरू करती है, जबकि ऑरली देते हैं तो उसको अपना काम शुरू करने में कुछ समय लगता है। तो देखिए अभी हमने सीक्वेंस लगाया है, आईवी सबसे जल्दी, फिर उसके बाद आईएम, फिर इनहेलेशन, इंट्राट्रेकियल, सबकट, इंट्रापेरिटोनियल, ऑरल, रेक्टल, इंट्रामेमरी इज स्लोएस्ट। ये रूट हैं, जितने जैसे जैसे इनकी रूट जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगी, डोज भी मात्रा भी बढ़ती जाएगी। आईवी हमें कम देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा मस्कुलर देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा इनहेलेशन में देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा इंट्राट्रेकियल में, सबकट में, इंट्रापेरिटोनियल में, ऑरल में, उससे ज़्यादा रेक्टल में, उससे ज़्यादा इंट्रामेमरी, उससे ज़्यादा, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन पावर घटती जाती है। अगला जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है स्पीसीज पे, स्पीसीज यानी कि प्रजाति। देखिए एक कुत्ते में एक बकरी और गाय, ये सारी की सारी क्या हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रजाति हैं। इनका बॉडी वेट भी अलग होता है, और लेकिन जो डोज है वो स्पीसीज के हिसाब से अलग होती है। डोज ऑल्सो डिपेंड ऑन स्पीसीज ऑफ एनिमल। जो डोज डिपेंड करती है वो स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। इफ डोज इन कैटल एंड बफेलो इज 1 ग्राम, इट विल बी 1/5 इन शीप एंड गोट। तो एक चौथाई से भी कम, 1/5 पार्ट किसमें हो जाता है, शीप और गोट में, और 1/15 इन डॉग्स एंड 1/30 इन कैट्स। देखिए इतनी मात्रा अलग हो चुकी है। अगर बफेलो में 1 ग्राम देने की जरूरत पड़ रही है तो बकरी में 200 mg में काम चल जाएगा, कुत्ते में उससे भी 15 गुना कम, 100 से 150 mg में काम चल जाएगा, बिल्ली में 50-60 mg में काम चल जाएगा। तो डोज ऑफ पाउडर नक्स वोमिका इज मोर देन स्ट्राइचिनिन हाइड्रोक्लोराइड। तो अभी देख लेते हैं अगला जो डिपेंड है वो है टाइप ऑफ एक्शन नीडेड। देखिए एक दवाई जो है वो कई तरह से काम कर सकती है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का एग्जांपल ले लें तो वो एक डायरेटिक की तरह काम भी करता है, एक पर्गेटिव की तरह काम भी करता है, एक कोलागॉक्स की तरह काम भी करता है। तो अगर हम डायरेटिक देंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं 150 से 200 ग्राम, अगर 150 से 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो वो एक डायरेटिक की तरह काम करेगा, यानी कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन, तो वो पेशाब की मात्रा को बढ़ाएगा। अगर यही मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम 400 से 450 ग्राम दे देंगे तो वो एक पर्गेटिव की तरह काम करेगा। तो डोज किसके ऊपर डिपेंड है, टाइप ऑफ एक्शन नीडेड, कि हमें किस तरह का एक्शन चाहिए, क्योंकि एक दवाई कई कई जगह पे काम करती है, तो डोज टाइप ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो देख लेते हैं, डोज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ एक्शन नीडेड। तो जो डोज है वो टाइप ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करती है कि किस प्रकार किस एक्शन की हमें ज़रूरत है, उसी अनुसार डोज की मात्रा बदलती रहती है। जैसे एक साल्ट कई कई एक्शन एक साल्ट के कई एक्शन हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने मैग्नीशियम सल्फेट को, यदि डायरेटिक के रूप में देते हैं तो उसकी डोज जो रखेंगे हम 150 से 180 ग्राम तक रखेंगे, और वही मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम पर्गेटिव के रूप में दे रहे हैं तो उसकी जो मात्रा रखी जाएगी वो 450 से 500 ग्राम रखी जाएगी, 400 से 450-500 ग्राम तक रखी जाती है। तो देखिए टाइप ऑफ एक्शन के अनुसार ड्रग की डोज बदल गई है, ड्रग एक ही है लेकिन उसका काम क्या है उसके हिसाब से ड्रग की डोज बदल गई है। अगला है रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन पे क्या होता है, देखिए जो दवाई हमने ली है वो गोबर या पेशाब के द्वारा, जो दवाई हम पशु को देते हैं सॉरी, वो गोबर या पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो गोबर और पेशाब के द्वारा जितनी जल्दी बाहर निकलेगी उतनी ही जल्दी उसको दोबारा देने की जरूरत पड़ेगी, और जितनी जल्दी वो बाहर निकलेगी उतनी जल्दी हम उसको दोबारा देंगे तो ज़्यादा मात्रा देंगे। और एक दवाई अगर लंबे समय तक शरीर में रहती है वो जल्दी से जल्दी गोबर या पेशाब के द्वारा बाहर नहीं निकलती है, शरीर में रहेगी तो हमें उसको दवाई देने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन के हिसाब से भी डोज रेट डिपेंड करती है। इफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन और फीसीज एट वंस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन देन इट हैज़ टू बी रिपीटेड सून। अगर वो एक बार देने से गोबर और पेशाब के द्वारा, पशु के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है
तो उसको दोबारा रिपीट करना, दोबारा जल्दी हमें क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। एंड इफ़ द ड्रग रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, अगर बॉडी लंबे समय तक, बॉडी में लंबे समय तक अगर ड्रग रहती है वो ड्रग, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ समय बाद क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं। तो डोज डिपेंड हो गई ना, अगर जल्दी देंगे तो ज़्यादा मात्रा देनी पड़ेगी, जैसे एक एक डोज है जो 6 घंटे में निकल रही है, तो हर 6 घंटे में दे रहे हैं, तो एक दिन में हम उसको 4 बार दे रहे हैं। एक दवाई ऐसी जो 12 घंटे में गोबर पेशाब से बाहर निकल रही है, तो हम उसको दिन में 2 बार दे रहे हैं। एक दवाई ऐसी है जो 24 घंटे में निकलती है, तो दिन में हम एक ही बार दे रहे हैं। तो डोज डिपेंड कर रही है रेट ऑफ एलिमिनेशन पे। अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रीक्वेंसी पे भी वही है, ऊपर हम बात कर चुके हैं, जितनी जल्दी वो बाहर निकलेगी उतने ही जल्दी हमें देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक दवाई 6 घंटे में बाहर निकल रही है, तो हम उसको दिन में 4 बार देंगे। एक दवाई 12 घंटे में निकल रही है, तो हम उसको दिन में 2 बार देंगे। एक दवाई 24 घंटे में निकल रही है, तो उसको दिन में हम 1 बार देंगे। और कई दवाई ऐसी है कई दिनों तक शरीर में रहती है, तो हमें उसको देने की ज़रूरत कई दिनों तक नहीं पड़ती है। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी बार हम दवाई देंगे, उतनी ही ड्रग की मात्रा क्या रखेंगे हम, ज़्यादा और ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पोसोलॉजी। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो कमेंट करें।